नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों बात करते हैं RPSC की वन संरक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। यह आज की अपडेट न्यूज़ है 19 फरवरी 2021। देखिए क्या क्या न्यूज़ है आज के पेपर में। परीक्षार्थी बोले पेपर पर नहीं थी सील, जांच कराई जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को जयपुर में 182 केंद्रों पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम हुआ। परीक्षा बहुत कम उपस्थिति रही। पहली पारी में मैच 27% उपस्थिति दर्ज की गई। ये देखिए आप, 51,000 में से 37,000 नहीं आई परीक्षा देने। ये जयपुर की न्यूज है। और देखिए इसकी अपडेट, पुष्पेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उसके पेपर की सील खुली हुई थी, तो इस पेपर की जांच कराने की मांग की गई है। सेकंड न्यूज ये है जो 20 फरवरी की न्यूज है, पर्यावरण विज्ञान में कितनी परसेंट उपस्थिति रही? 33%, गणित में 23 और सांख्यिकी में भी 23। दूसरे दिन से पहचान पत्र देख के लिया प्रवेश। ये देख सकते हैं आप कितने कितने अभ्यर्थी बैठे यहाँ पर। सबसे पहले जो फर्स्ट पारी में परीक्षा हुई वो पर्यावरण विज्ञान की हुई थी, जिसमें 42,067 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 13,000 अभ्यर्थी बैठे केवल, 13,885। और दूसरी परीक्षा थी वो थी अपने गणित विषय की, उसमें 32,000 अभ्यर्थी थे, 7,961 अभ्यर्थी बैठे। तीसरी परीक्षा थी वो अपने सांख्यिकी विभाग की थी, जिसमें 3,572 अभ्यर्थी ने आवेदन किया और मात्र 852 अभ्यर्थी एग्जाम देने आए। तो ये आज की अपडेट न्यूज है। सहायक वन संरक्षक परीक्षा अभ्यर्थियों का आरोप, पेपर की सील खुली मिली है, जांच की मांग। एक दिन में दो परीक्षा, 70% अनुपस्थिति। ये देखिए पहली पारी में मैं 27% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। और इन अभ्यर्थियों ने पेपर सील खुली आई, इन अभ्यर्थियों की पेपर लीक की आशंका जताई है। तो ये आज की पेपर कटिंग न्यूज़ थी दोस्तों। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम संबंधित न्यूज़ होती है, चाहे पेपर हो, चाहे उसके आंसर की हो, चाहे उससे संबंधित कोई न्यूज़ हो, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।